नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन है प्रूव करना है, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n इक्वल 3 बाय 2। और एक क्वेश्चन वो करेंगे हम, दोनों क्वेश्चन प्रूव करने वाले सेम ही है जैसे हैं, लेकिन देखते हैं कैसे करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे 2 की पावर n सब में कॉमन है, ऊपर नीचे दोनों में 2 की पावर n कॉमन निकाला है, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 2 की पावर n कॉमन निकाला है 1 रहेगा और 2 की पावर माइनस 1 रहेगा, 2 की पावर n कॉमन निकाले ऊपर माइनस 1 भी है। यहाँ पे 2 की पावर n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 की पावर 1 माइनस 1 रह जाएगा, 2 की पावर n कॉमन निकाले। अब ये दोनों बेस सेम है और माइनस हो जाएंगे, 2 की पावर n माइनस n, पावर n करंट का रूल लगाना है, कट नहीं करना है, और यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 2, 2 की पावर माइनस है 1 है, इसको 1 अपॉन 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, तो लेकिन 2 की पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है। और नीचे 2 की पावर 1 2 माइनस 1, और यहाँ पर दर्ज आ गया 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई, यहाँ कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई है, और एलसीएम लेंगे 2 वन जर 2 प्लस 1, और नीचे 1 ही आ गया, नीचे 1 साइड लगाओ साइन आ गया, 2 की पावर 0 1 इंटू 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन 2, ये हमारी आरएचएस आ गई, नीचे लिख देंगे देयरफॉर एनएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 6 की पावर एन प्लस 3 32 मल्टीप्लाई 6 की पावर एन प्लस 1 6 की पावर एन प्लस 2 माइनस 2 इंटू 6 की पावर एन प्लस 1 इक्वल टू 1 प्रूव करना है। यहाँ पे भी पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, 6 की पावर एन प्लस 3 माइनस 32 इंटू 6 की पावर एन प्लस 1 अपॉन 6 की पावर एन प्लस 2 माइनस 2 इंटू 6 की पावर एन प्लस 1, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ से 6 की पावर एन कॉमन निकल सकता है, ऊपर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 6 की पावर एन कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, 6 का क्यूब रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 32 भी अंदर रहेगा और 6 की पावर 1 बचेगी, नीचे 6 की पावर एन कॉमन निकालेंगे, यहाँ रह जाएगा 6 की पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1। अब सॉल्व करेंगे, 6 की पावर एन ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 का क्यूब 66 माइनस 32 इंटू 6 क्योंकि ये 60 बन जाएगा, 6 2 12 और 60 18 और 119 कौन 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 2 12, ये तो 6 की पावर 0 बन गए, मल्टीप्लाई 216 में से 192 माइनस करेंगे 6 में से 2 4 और 1 में से 11 में से 9 में माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ से कट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 11 में से 9 गए क्योंकि 6 में से 2 निकालने 4 और यहाँ पे 11 में से 9 2 24 आ गया। अब नीचे 36 में से 12 निकाल दिए 24 और 6 की पावर 0 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ये कट गया और 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ये हमारा आरएचएस आ गया और नीचे लिखेंगे देयरफॉर एनएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है